हाय गाइस, क्या हाल हम सबके। और आज मैं हिसार के अंदर प्री महिंद्रा डीलरशिप के अंदर, जहाँ पे आपको मिलती है हिसार के अंदर बेस्ट कारें बेस्ट रेट के अंदर। और गाइस आज मैं उसको दिखाने वाला हूँ, आप ही मेरे साथ महिंद्रा ब्लेरो नियो देख रहे हैं। गाइस ये ना इसका घर टो इवेंट, इसमें ना अपना तीन इवेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं, T4, T8 और T10। और गाइस आपको इसमें 5 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन गाइस आज मैं आपको इसका जो सिल्वर एडिशन है ना, मैं आपको ये दिखाऊंगा। और ये है T10 टो इवेंट कार का। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्चुअली हम आते हैं अपना पहले हेडलैम्प की तरफ। तो गाइस इसके अंदर आपको नई डियर्स मिलने वाली हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स कुछ आपको मिलेंगी ये। और इनके अंदर आपको जो ये हेलोजन बल्ब मिलने वाले, आपको जो इंडिकेटर है वो मिलेंगे कार के। और इसके नीचे आपको जो कार के फोग लैंप है ये मिलने वाले हैं। और जो फोग लैंप है वो आपको मिलते हैं सिर्फ टॉप एंड के अंदर। और इनके सराउंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये मैट की फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। और इसको अगर हम कार की जो ग्रिल है इसकी तरफ आते हैं, तो गाइस ये मिल रही है आपको क्रोम में। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रोम मिलने वाली है, साथ में आपको यहाँ पे मैट की फिनिशिंग आपको मिलेंगी इसके साथ में यहाँ पे, लेकिन आपको एक क्रोम भी मिलने वाला है। सेंटर में आपको यहाँ पे ब्रांड का लोगो है ये मिलने वाला है। इसके नीचे आपको कार का ये वाइट ए डैम मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लेरो नियो की ब्रांडिंग मिलने वाली है। तो आपको एक कार कुछ ऐसी मिलने वाली है जो कि आपने अभी देखी, बताना कि आपको एक कार वो कैसी लगी फ्रंट से। तो अगर हम आते हैं कार की साइड से, तो आपको एक कार साइड से कैसी मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आपको ना फेंडर पे इंडिकेटर आपको मिलेंगे, सेम जो ब्लेरो आते हैं ना उसके अंदर आपको मिलते हैं। तो आपको ना फेंडर पे इंडिकेटर मिलने वाले हैं, जो कार का साइड मिल रही है आपको मिल रहा है बॉडी कलर में। और जो लोअर पार्ट है इसका वो मिल रहा है आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग में। जो कार के डोर हैंडल्स हैं ये भी आपको मिलने वाले हैं मैट की फिनिशिंग में। बात करें जो कार के जो टायर प्रोफाइल की तरफ, तो गाइस यहाँ पे आपको ये C8 का टायर मिलेगा सिल्वर, जो ये अलॉय व्हील आपको दिए गए हैं। अगर मैं आपको जो टायर साइज इसके बारे में लेके चलूँ, 215/75R 15 इंच आपको जो कार का टायर मिलने वाला है। गाइज आपको मिलने वाले हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक, अगर हम बैक की तरफ आ रहे हैं वहाँ पे मिल रहे हैं आपको ड्रम ब्रेक। सर जो ये कार ना आपको ये मिलती है सब 4 मीटर के अंदर, इनकी जो ऐसी भी आपको ही मिलते हैं, जो कि महिंद्रा बोलती है कोई रफ एंड टफ। और आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको फील होने वाला है जो सिंपल ब्लेयर होती है उससे। तो गाइज कुछ ऐसी मिली आपको ये कार साइड से जो कि आपने भी देखी, बताना कि आपको कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। अब चलिए हम आते हैं कार की बैक साइड से, आपको कार बैक साइड से वो कैसी मिलने वाली है। तो कार की बैक साइड से आते हैं गाइस, यहाँ पे आपको बैक साइड से ये स्पॉइलर मिलने वाला है। जो कार का बैक का मिरर है आपको इसके सेंटर में माउंट स्टॉक लैंप और लिव यंग लिव फ्री की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलने वाली है। और डिफोगर वॉशर आपको मिल जाएंगे बैक साइड से, यहाँ पे आपको ये ब्लेरो नियो की ब्रांडिंग मिलेगी। और यहाँ पे मिलने वाला आपको N10 मतलब कि कार का टो इवेंट। और बैक साइड से आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील टायर मिलेगा। तो अगर हम आते हैं बैक की टेल लैंप की तरफ, तो गाइस ये मिल रही आपको काफ़ी अच्छी, आपको बैक की टेल लैंप मिलेंगी, इनकी जो ब्राइटनेस है ना आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है नाइट के समय। और आपको बैक साइड से पार्किंग सेंसर आपको मिलने वाले है। और यहाँ पे ये फुट स्टेप दिया गया है चढ़ने के लिए कार के थर्ड रो में आने के लिए। और वैसे आपको जो कार की थर्ड रो में ये सीट मिलने वाली है, जिनकी अगर हम स्पेस के मामले में बात करें, आपको स्पेस कैसे मिल रहा है, हेडरूम आप ये देखें, आपको हेडरूम कुछ ऐसा मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये एक पॉकेट मिलेगी। और वैसे आपको कुछ ऐसी मिलने वाली कार की थर्ड रो, जो कि आपने भी देखी, बताना कि आपको कैसी लगी और आप इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कार की सेकेंड रो में क्या मिलने वाला, पावर विंडो स्पीकर्स नीम बोटल के हिसाब से आप यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं। जो कार की फर्स्ट रो इसकी आपको बैक साइड में आपको यहाँ पे की पॉकेट भी मिल रही है कुछ ऐसे। तो अगर हम आते हैं कार की सेकंड रो में, तो आपको कार की सेकंड रो में स्पेस वाइज आपको एक कार है वो कैसी मिलने वाली है। वैसे भी मैं आता कार की सेकेंड रो में, ठीक है। तो अगर हम कार के जो डोर को उसको क्लोज करते हैं, और गाइज ये ना आपको काफ़ी हैवी है,
तो गाइज आपको कार की सेकंड रो में जो हेडरेस्ट है आप कोई सीट के साथ ही अटैच नहीं मिलेंगे, आपको ये मैनुअली मिलने वाले हैं। हिसाब से आप इनको सेट भी कर सकते हैं। और गाइज जो कार की सेकंड रो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर आर्म रेस्ट, जो कि आप ये देख रहे हैं। और गाइज हिसाब से गाइज हेल्दी पर्सन है, तीन बंदे इजीली इसके अंदर बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से, को कितना भी हेल्दी हो तो तीन बंदे कार अंदर आप इजीली यहाँ पे उनको बिठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ये आपको कोई दिक्कत होएगी। तो गाइज आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है कार सेकंड रो से, जो कि आपने अभी देखी, बताना ये आपको कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। जो कार की ड्राइवर सीट है ना, वहाँ पे आपको मिलने वाला है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इन सीट को सेट भी कर सकते हैं जितनी भी आपकी नीड है उसके हिसाब से। तो ये कुछ ऐसी होने वाली है यहाँ से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो गाइज बिल्ड इन क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिली है, काफ़ी हैवी है, तो इन जो बिल्ड इन क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है कार की। तो अगर हम आते हैं कार की फर्स्ट रो में और आपको दिखाती हूँ जो स्पेस है वो कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल, वॉल्यूम अप एंड डाउन के, फोन पिक और आउट करने के साथ में आपको गाइज यहाँ पे मिलने वाला क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे एयरबैग, एबीएस प्लस सीवीडी, यहाँ पे आपको बोलेरो नियो। तो आपको कुछ ऐसी साउंड मिलने वाली है वेलकम टू बोलेरो नियो। और गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं तो जो इंटरफेस आपको ऐसे मिलने वाला है, Your vehicle is running on reserve fuel. तो ये भी आपको रिमाइंड करेगी, मान लो कि अगर आपकी कार अंदर फ्यूल नहीं है तो आपको ये भी रिमाइंड करने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर, स्पीड मीटर और गाइस आपको यहाँ पे एक सेंटर में एक डिस्प्ले मिल रही है जहाँ पे आपको अपनी कार कितनी किलोमीटर चली हुई है और फ्यूल कितना है कार का टेम्परेचर क्या है और बाहर का टेम्परेचर क्या है और अपनी कार की जो ये माइलेज है वो कितनी शो हो रही है। और भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेटिंग पे जाके आप यहाँ पे जो ट्रिप है इसको भी सेट कर सकते हैं और जो फ्यूल पे जाके आप अपनी कार की जो एवरेज है उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे अभी ये कार ना 66 किलोमीटर चली हुई है तो आपको ये एवरेज यहाँ पे शो कर रही है 10.2 की, आपको ये माइलेज आपको ये शो हो रही है। ये डिपेंड करते हैं आप अपनी कार को कैसे चलाओगे। जो मतलब कार जो म्यूजिक कंसोल है इसकी तरफ ये मिल रही है आपको 7 इंच की आपको एक डिस्प्ले मिल रही है, इसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे और जो ये फ्रंट रो में आपको ये ट्यूटर्स मिलने वाले हैं कार के अंदर। इसके अंदर आपको ये मैनुअल एसी मिला है विद हीटर के साथ, 4 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट और यूएसबी स्लॉट, ऑक्स स्लॉट और यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स, 3 इनवर्टर ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो कार का बॉक्स आपको मिलेगा कार के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो कार का रियर व्यू मिरर है आपको मिलने वाला है मैनुअली डे और नाइट के हिसाब से। इधर आपको कार की लैंप है वो मिलने वाले हैं जो कि हमें मिल रहे हैं येलो ग्लोब के अंदर। और यहाँ पे आपको कार के सनराइजर दोनों तरफ, जो कोर ड्रेसर है वहाँ पे आपको मिलेगा वेंटी मीटर। तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का आपको जो डीजल इंजन आपको वो मिलेगा। पावर की बात करें आपको कार की पावर 100 BHP की पावर मिलेगी एट द रेट 3,350 RPM के अंदर। हम कार की टॉर्क की तरफ आ रहे हैं, 260 Nm का टॉर्क मिल रहा है। तो गाइज आपको कार का जो इंजन है आपको ऐसे मिलेगा जो कि आपने अभी देखा, बताना कि आपको कैसा लगा और आपको कार का बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। अब चलिए आपको मिलाता हूँ इनसे, जानेंगे इनसे इनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और इनके शोरूम की लोकेशन क्या है। तो भाई चलिए जानते हैं इनसे इनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इनके शोरूम की लोकेशन क्या है। सर प्लीज़ बताएँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल बामल और हमारा शोरूम है हिसार, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और हम महिंद्रा की सारी कार्स और कमर्शियल में डील करते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8813000930। तो आप संपर्क कर सकते हैं महिंद्रा की कोई भी गाड़ी परचेज करने के लिए। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, धन्यवाद। कोई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर जाना। और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, देख क्या रहो आपके स्क्रीन पे मेरा नजर है। मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ, और बताना कि आप मुझे कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखें। ठीक है, बाय बाय।